जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन सभी लोगों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आया हूं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग होगी, आपको किसी भी तरीके का एग्जाम नहीं देना है। बस आपकी एप्लीकेशन एक बार शॉर्टलिस्ट हो जाएगी तो आपको डायरेक्ट पोस्टिंग मिल जाएगी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर के अंदर, जो अपने आप में सबसे बड़ी बात है। बस आपके पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अगर है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे और आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और एक पोजीशन जो आपकी पोस्ट होगी बहुत बड़ी होगी। तो आइए इस वीडियो के अंदर मैं सारी की सारी डिटेल्स इस जॉब के रिगार्डिंग बताता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे, कैसे कैसे अपनी एप्लीकेशन को भेजना पड़ेगा और आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कब तक किसकी लास्ट डेट है। तो आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग टाइम लिमिट के अंदर देख रहे हैं तो इस मौके का फायदा जरूर उठाना। तो आइए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट्स अनअकैडमी पे जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं सभी लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन जरूर करो, क्योंकि मैं पर्सनली एनालाइज करके सारे के सारे प्लेटफॉर्म को, सारे के सारे अनअकैडमी के जुडिशरी के प्लेटफॉर्म को एनालाइज करने के बाद आपको रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ही पर्सनली यहां पे एजुकेटर भी हूं, मेरी भी क्लासेस चलती हैं तो इसके अंदर आपको फायदा बहुत मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, पोल्स का आपको फीचर मिलता है, साथ ही में आपको रेज अ हैंड का फीचर मिलता है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जिससे कि कोई अच्छा चैट बॉक्स के अंदर अपना डाउट क्लियर नहीं कर पाता तो वो रेज अ हैंड की रिक्वेस्ट भेजेगा और ऑडियो की मदद से अपने सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर सकता है। यहां पे आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लास जब मर्जी देखना चाहो आप देख सकते हो। लाइव क्लास देखनी है तो शेड्यूल के हिसाब से देख सकते हो और रिकॉर्डेड क्लास आप कहीं भी कितनी बार देख सकते हो, अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलता है। अभी 15th ऑफ सितंबर से एक नया बैच लॉन्च हुआ है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि प्राइस हाइक होने वाला है, 23rd सितंबर से आपको प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, बढ़े हुए प्राइसेस देखने को मिलेंगे। तो इससे बेहतर यही है 23rd सितंबर से पहले पहले आप मेरा कोड यूज करके SLG10 का बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आप पा सकते हो, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, 23rd सितंबर से पहले पहले आप बैचेस परचेज कर लोगे तो आपको और सस्ते में प्राइजेस मिल जाएंगे और T20 की टेस्ट सीरीज भी हमारे अनअकैडमी बैच ऐप के ऊपर चलती रहती हैं, तो आप SLG10 का कोड यूज करने के बाद फ्री में देख सकते हो। प्राइस हाइक होने वाला है लेकिन 23rd को होगा, तो इससे बेहतर है आप अभी के अभी अपने बैचेस को खरीद सकते हो। सबसे पहली बात इसके अंदर आती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर, ये आप लोगों को भी पता है ये एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ये एक तरीके से रिसर्च एंड हेल्थ एंड डेवलपमेंट के अंदर इसका जो ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पे भी इसे ट्रीट करा जाता है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल होती है केवल और केवल रिसर्च करने के अंदर। पूरे भारत के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर की, जितने भी कल्टिवेशंस की रिसर्च करी जाती है ये इस बॉडी का काम कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब इसके अंदर दूसरी बात आती है कि हमारा फायदा क्या होगा, लॉ ग्रेजुएट होने का फायदा क्या होगा और मैं ये वीडियो देखने आया हूं मेरा फायदा क्या होगा। सबसे पहली बात, यंग प्रोफेशनल को हायर करा जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर, जिसमें आपको लीगल यंग प्रोफेशनल की पोस्ट दी जाएगी और इसके अंदर जो है आपके एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है मैं उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले बात, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। लॉ की डिग्री का मतलब LLB की डिग्री हो 3 साल वाली तो भी चलेगा, BA LLB की डिग्री हो 5 साल वाली तो भी चलेगा, BBA LLB, BA LLB, BCom LLB, बहुत सारी LLBs होती है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो आपके पास कोई भी डिग्री है 3 साल 5 साल वाली चल जाएगी आपकी। अब इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि आपको एडवोकेट, एज एन एडवोकेट के तौर पे एनरोल्ड होना जरूरी है। अब इसके अंदर एक बात आती है कि आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम क्लियर देना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड हो और आपके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा में भी ज्यादा नहीं, 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोरोना टाइम के अंदर 2 साल तो ये सेकंड ईयर था हमारा चल ही रहा है, तो जिन बच्चों की कोरोना के टाइम पे डिग्री पूरी हुई होगी या कोरोना से पहले जस्ट डिग्री पूरी हुई होगी तो वो सभी लोग तो इस जॉब कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, तो आप सभी लोग फायदा उठा सकते हो। तो आपको जो है एनरोल्ड एज एन एडवोकेट के तौर पे होना चाहिए और 2 साल का आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब काम भी किस किस चीजों में कराना चाहिए, मेनली इस बात पे ध्यान दिया गया है कि आपके सिविल मैटर्स, जो सर्विसेज के मैटर्स होते हैं या लेबर के आर्बिट्रेशन के केसेस होते हैं या फिर जो एक्सपोजिट ड्राफ्टिंग और एग्रीमेंट, साथ ही में आपको जो है MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जैसे हम बोलते हैं, या फिर डीड आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हायर हो रहे हो ना इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको डिमांड मांगी जाएगी भाई सिविल का मैटर आना चाहिए, से लेबर का मैटर आना चाहिए सॉल्व करने के लिए, और इसके अंदर सर्विसेज के मैटर्स आने चाहिए, इनको MOU ड्राफ्ट करने आने चाहिए, एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करने आने चाहिए, डीड्स ड्राफ्ट करने आने चाहिए, 2 साल का इन्होंने ऐसा काम करा हो और इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो।
तो तभी हम जो है हायर करने के लिए सोचेंगे। अब इसके अंदर और बात करें एज लिमिट की, एज लिमिट भी इसके अंदर बहुत सिंपल है, 21 साल से लेके 45 साल तक की उम्र का कोई भी बच्चा है, कोई भी कैंडिडेट है जिसके पास लॉ ग्रेजुएट और 2 साल का एक्सपीरियंस है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में इसके अंदर मैं रेमुनरेशन सैलरी की बात करूं तो 35,000 रुपये आपको सैलरी पे करी जाएगी, 35,000 रुपीज, जो अपने आप में इनिशियल स्टेज में सबसे बढ़िया बात है। 35,000 रुपये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे आज के टाइम के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको पे करेगी इनिशियल स्टेज में बिना कोई एग्जाम दिए। बस आपके पास जो एलिजिबिलिटी है वो क्राइटेरिया आपको फॉलो और पूरा करना चाहिए। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है बढ़िया बात है, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो। दूसरी बात, अब अप्लाई कैसे करें, मेन मुद्दे की बात, ये वीडियो मैं देख रहा हूं तो मेरे को जो है जॉब पोस्ट के बारे में पता लग गया, सैलरी के बारे में पता लग गया, कैसे कैसे सिलेक्शन होना है वो मेरे को बताना है, उसको मेरे ऊपर जो है डेप्थ में समझना है। इसके अंदर आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, LLB की डिग्री की जो कॉपी है वो होनी चाहिए, साथ ही में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब इसके अंदर बात करी जाएगी 10th की मार्कशीट की, जब आप फोटोकॉपी और इस पर अपना सेल्फ सिग्नेचर करके डेट डाल के, इसे बोलते हैं सेल्फ अटेस्ट करके, 10th की भी ऐसी सेल्फ अटेस्ट करनी है और ग्रेजुएशन डिग्री की भी आपको ऐसे सेल्फ अटेस्ट करनी है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी आपको फोटोकॉपी के तौर पे, या तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपको सेल्फ अटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो आपका ऑलरेडी नाम और सिग्नेचर होगा ही होगा। तो ये सारे 4 के 4 डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपको मेल भेजना है। मेल कहाँ पे, lawdotICAR@nic.in, यहां पर अपना एप्लीकेशन जो है आपको, जो पूरी की पूरी आपके डॉक्यूमेंट्स है ये 4 फाइलों का, और अपना थोड़ा सा कंटेंट आपको लिखना हो, और जो आपको सब्जेक्ट लाइन लिखनी है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी, कि जो सब्जेक्ट लाइन आपको लिखनी होगी वो आपको स्क्रीन के ऊपर यहां पे शो हो जाएगी, तो आप वो ही लिखना। और उसके बाद आपको 21 सितंबर शाम को 5 बजे से पहले पहले अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इस मेल आईडी पे भेज देना, तो आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर तौर पे चली जाएगी। फिर इसके बाद शॉर्टलिस्ट होगी आपकी एप्लीकेशन, कि किस बच्चे के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, किस बच्चे के पास सिविल का है, सर्विसेज का है, लेबर का है, आर्बिट्रेशन के केसेस का है, एक्सेट्रा। तो उनके रेलिवेंसी के हिसाब से अगर उन्हें लगता है कि आपका एक्सपीरियंस उनको काम आएगा जॉब के लिए, डायरेक्ट आपको वो रिवर्ट बैक करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपको SMS करेंगे, आपको मेल करेंगे कि आप आइए, अपना छोटा सा एक इंटरव्यू होगा, हाँ वो दीजिए और अपनी जॉब ले जाइए। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है जॉब पाने का। बाकी सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमारे जो है नोटिफिकेशन का लिंक मोबाइल से ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं उन लोगों को बोलूंगा ब्राउजर पे जाओ, ओपन इन ब्राउजर का एक टॉपिक होता है, एक सेटिंग होती है, तो आप वहां पे जाके ओपन इन अ PC ब्राउजर के तौर पे आप वहां पे जाके ओपन करिए, या फिर अपने लैपटॉप में ओपन करिए, बिल्कुल ओपन होगा आपका जो फोल्डर है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कोई भी डाउट आपका आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अगर आपको पूरी वीडियो मेरी पसंद आई है, या आपको कुछ भी एक नई बात पता लगी है, एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी अपने लॉ की फील्ड के अंदर पता लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने करीबी दोस्तों को वीडियो को शेयर करके, और साथ ही में ये इंपॉर्टेंट अपडेट उन लोगों को जरूर बताइएगा जो आपसे सीनियर भी हो और जो लोग एलिजिबल हो इस जॉब के अंदर अप्लाई करने के लिए। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।